अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेब फ़ारूकी। आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी मोबाइल परचेज़ करते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अक्सर सेकंड हैंड मोबाइल जब लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम कोई ना कोई होती है। तो आप कोई भी मोबाइल न्यू ले रहे हैं, सेकंड हैंड ले रहे हैं, तो जो मैं आपको आज आपको बताने वाला हूँ उसमें आप सब कुछ मोबाइल का चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको बता देगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस रेड बटन पे आके क्लिक करें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी नीचे आपके इधर सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, आप उस पर प्लीज़ ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके जिस मोबाइल का आप टेस्ट करना चाहते हो कि मतलब कि आप उसमें देखना चाहते हो कि कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने मोबाइल का जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसके प्ले स्टोर पे जाएं और उधर आप ये वाली एप्लीकेशन सर्च करें, फ़ोन टेस्ट हार्डवेयर इन्फो। तो अभी तो ये मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, ओपन पे आके क्लिक करना है। तो अभी तो मैंने आपको आपने ये एप्लीकेशन देख ली, तो अभी आप आगे भी सारी वीडियो देखिएगा। ये नहीं करना कि आपने अभी आपको पता चल गया ये एप्लीकेशन ये वाली है तो आपने वीडियो ख़त्म करो और उधर से जाके आप डाउनलोड करके, तो इसमें आप पहले सारी ये वीडियो देखें, आपको पता चलेगा इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो इसमें आ रहा है फ़ोन इन्फॉर्मेशन, तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करो तो आपको ये सारा बता देगा कि आपका डिवाइस कौन सी है, ठीक है, और उसका OS क्या है, सिस्टम डिस्प्ले वगैरह सारी, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दे देगा मोबाइल के बारे में। अभी हम आते हैं बैक। उसके बाद आ गया रहा सिंगल टेस्ट। सिंगल टेस्ट में ये है कि अगर आपने यानी कोई भी चीज़ है, जैसे साउंड टेस्ट सबसे पहले आ रहा है, साउंड टेस्ट मैं इसका करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ, वाइब्रेट टेस्ट करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, माइक्रोफोन टेस्ट, ठीक है, सारे ही मैं आपके पास टेस्ट आ रहे हैं। आप उस पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साउंड टेस्ट पर क्लिक इसका स्पीकर देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है, तो आपने साउंड टेस्ट पर क्लिक करना है। तो अभी ये टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। तो अभी ये देखें साउंड चला, इससे हमें पता चल गया कि इसमें जो स्पीकर लगे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो वापस आके आप वाइब्रेट टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, माइक्रोफोन टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर तो आप कहते हैं कि ये तो सिंगल टेस्ट था, अगर आप कहते हैं मैंने फुल टेस्ट करना है मोबाइल का, तो फुल टेस्ट पे आपके आप क्लिक करें और स्टार्ट पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये अभी आपके पास फिर ये फोन जो स्टॉप कर देता हूँ, यानी कि स्पीकर का फिर टेस्ट हो गया। अगर तो पास है तो आगे पास पे क्लिक कर दें, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो स्किप कर दें, अगर आपका ये टेस्ट ख़राब आया तो आप इसको फेल कर दें। चलिए हम इसको पास कर देते हैं। उसके बाद ये वाइब्रेट करेगा मोबाइल, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने हाथ में पकड़ा हूँ मोबाइल, तो वो वाइब्रेट मुझे महसूस हो रही है। तो आप जब करेंगे तो आपका मोबाइल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी मेरा टेस्ट पास हो गया, तो मैं पास पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जो अब इसका जो माइक है उसका हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड पे आप क्लिक करें। अब मैं जो जो बोल दूँगा वो रिकॉर्ड होगा, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये देखें आप सुने, वो एप्लीकेशन बैक आ गई, ये भी पास कर दिया था, ये भी पास कर दिया था। और ये वाला टेस्ट भी आप अपने मोबाइल पे, क्योंकि अभी मेरे वो यूज़ नहीं हो सकता, मैंने अपने मोबाइल को माइक्रोफोन लगाया हुआ इस वजह से ये आई थिंक यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको भी हम पास कर देते हैं। उसके बाद आप मोबाइल ये जो LCD के कलर्स वगैरह है उसका आप टेस्ट, अब स्क्रीन पे टच करते जाएँ आपको कलर्स वगैरह सारे आते जाएंगे, ठीक है। अब इधर से आपने ऑप्शन से बाहर जाना है, आप कहते हैं ये पास है, तो आप वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करें तो ये आपका जो है इस स्टेप से बाहर आ जाएगा। तो ये भी पास कर देते हैं। उसके बाद आपकी ब्राइटनेस है, ठीक है, ये देखिए ब्राइटनेस टेस्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ब्राइटनेस मोबाइल की जो है वो तेज़ होती जा रही है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल ओके हो गया टेस्ट, तो ये भी पास है, तो पास पे क्लिक करते हैं। अब मैं अपने टच स्क्रीन का टेस्ट करूँगा, ठीक है, ये देखिए रेड लाइन्स बन रही हैं, तो आपका मतलब कि अगर आपका कहीं पर टच ख़राब हुआ हो तो वहाँ पे आपको ग्रीन में बता देगा कि इधर से आपका
टच ख़राब है, तो ये भी हम पास कर देते हैं। उसके बाद टच फिंगर्स, ठीक है, अब आपने सारी फिंगर्स पांचों की पांचों रखें, आपको ये भी बता देगा कि इसका टच बिल्कुल ठीक है कि ख़राब है। ठीक है, सारी फिंगर्स आप रखे देख सकते हैं और ये भी पास है। उसके बाद आप अपना जो कैमरा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, कैमरा चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास टेस्ट पास हो गया, तो आप पास पे क्लिक कर दें। और उसके बाद इसके सेंसर हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, तो ये भी मैं कहता हूँ पास है, तो आप पास पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपका जो वाईफाई है, ठीक है, वो बता रहा है आईपी एड्रेस के साथ, ये SSID नेम के साथ, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है, और पास पे क्लिक कर दें। उसके बाद इसकी जो ब्लूटूथ है उसको टर्न ऑफ करके देखें तो आपकी ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी। तो चलो चलो मैं भी ये भी पास करता हूँ। ठीक है, ये फ़ोन की इन्फॉर्मेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन, नो चार्जिंग पे है, हेल्थ उसकी गुड है, लेवल उसका यानी कि अभी 19% पे है, टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कौन सा टेम्परेचर वगैरह सारा आपको ये भी बता देगा, तो ये पास। तो फ्रेंड्स, ये थी एप्लीकेशन फ़ोन टेस्ट, जिसमें आप भी सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि आपके यानी कि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।